हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। यार तो यहाँ पे मैं लेके आया हूँ एक और न्यू वीडियो, जहाँ पे बताऊँगा मैं आप सभी को कि आप मिनी मिर्चिया कैसे आप पीसी पे प्ले कर सकते हो। सिंपल तरीका है, सिंपल बंदा है, पूरी वीडियो देखना, स्किप नहीं करना। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको ब्लू स्टिक साइट पर चले जाना है। ब्लू स्टिक सभी को मालूम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप सीधे इस साइट पर आ जाओगे। अब सिंपल इस एमुलेटर को आपको पीसी में डाउनलोड करना है। चलिए इसका डाउनलोड कर ले। सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करोगे, आप जैसे ही क्लिक करोगे सेव का ऑप्शन आ जाएगा, ऐसे सेव और एंड डाउनलोड कुछ ही सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा। एंड इसको आपको इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे थोड़ा ब्लैक स्क्रीन हो जाती है क्योंकि यस का ऑप्शन आता है, तो यस करने के बाद आपको सिंपल इंस्टॉल करना है। एंड यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि आपके नेट के स्पीड के ऊपर है। तो चलिए हम स्किप करते हैं वीडियो को। एंड हमारा ये कुछ देर में डाउनलोड हो गया है और यहाँ पे इंस्टॉलेशन वगैरह कुछ चीज़ें होंगी, तो थोड़ी देर आपको यहाँ पे भी वेट करना पड़ेगा क्योंकि नेट के स्पीड के ऊपर है। डाउनलोड होने के बाद इस तरीके से आपका इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपल प्ले स्टोर पर जाना है। एंड यहाँ पर जाने के बाद आपको सिंपल आईडी लॉगिन का ऑप्शन आएगा, साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, सिंपल साइन इन करना है। साइन इन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे थोड़ा चेक इन्फू आएगा, तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और सिंपल तरीके से हो जाएगा, बस वीडियो को फॉलो करना है आपको। एंड यहाँ पे जीमेल आईडी डालना है आपको, सिंपल यहाँ पे जल्दी जीमेल आईडी डाल देते हैं हम। तो ये जीमेल आईडी डल गई है हमारी। एंड नेक्स्ट यहाँ पे पासवर्ड वगैरह मांगेगा, तो पासवर्ड डाल देना है आपको। एंड नेक्स्ट, गलत हो गया, थोड़ा रॉन्ग हो गया, गलत, मैं भूल जाता हूँ क्या, कोई पासवर्ड भूलते रहता हूँ मैं। तो यहाँ पर सीधा ये नोटिफिकेशन यस वगैरह आएगा, ये कर देना है आपके। अगर मोबाइल में खुली है तो आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा, तो उसको यस करना है बस। और करने के बाद सिंपल इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको स्किप वगैरह कर देना है, ये 40 चीज़ें जो पॉलिसी वगैरह स्किप कर सकते हो आप, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे जैसे ही जीमेल लॉगिन हो जाए आपका सिंपल, अब भी आपका थोड़ा ये और चीज़ आई है, एक्सेप्ट वगैरह करना पड़ेगा इनको। करने के बाद जैसे ही आपका यहाँ पे खुल जाएगा सिंपल, आपको प्ले स्टोर एंड यहाँ पे लिखना है मिली मिर्चिया, मिली मिर्चिया लिखने के बाद क्लिक करना है। एंड यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। कुछ झंझट का काम नहीं है, सिंपल तरीका है, बस उसको फॉलो कीजिए सारे स्टेप बाई स्टेप जो मैंने बताए, और आपका मिली मिर्चिया इंस्टॉल हो जाएगा बहुत ही आसानी से। तो कुछ सेकंड में ये डाउनलोड होने वाला है बस मेरा, तो क्योंकि स्पीड अच्छी है, थोड़ी बहुत और अच्छी होती तो क्लिक करते ही हम डाउनलोड हो जाता, तो मैंने थोड़ा फैक थोड़ा कम रिचार्ज वाला है तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन इंस्टॉल होने का प्ले का आ जाएगा, प्ले कर देना है। एंड यहाँ पर मिलीमीटर मिनी क्लिप लिख के आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जीमेल मांगेगा किससे आपको लॉगिन करना है, कर लेना है, मैंने सीधे जीमेल से कर दिया। तो ये अभी फर्स्ट पे है, तो यहाँ पे बैटल का ऑप्शन आ रहा है, सिंपल आपको एक बार गेम प्ले करना पड़ेगा तभी यहाँ गेम स्टार्ट होगा। तो मैं यहाँ पे पहले ठीक है वॉल्यूम अपने हेडफोन में ले लेता हूँ। एंड यहाँ पे बैटल के ऑप्शन पे आपको सिंपल यहाँ पे बैटल क्लिक कर देना है। एंड रैंडम ही रखना है क्योंकि अभी मिनी आउटपोस्ट के अलावा कोई आपका यहाँ पे कोई भी मैप खुलेगा नहीं। यहाँ पे आपको धीरे धीरे लेवल अप करना है, धीरे धीरे खेलना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ पे और मैप गन्स एंड आर सारी चीज़ें खुलेंगी। तो आपको यहाँ पे हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप करके ही करना है, कोई हैकिंग वगैरह नहीं करता, बहुत लोग हैक कर लेते हैं तो वो नहीं करना है, ठीक है, सिंपल तरीके के लिए मज़ा आएगा, ठीक है। और यहाँ पे गेम प्ले हो गया, देख सकते हो आप कितना मस्त गेम प्ले हो रहा है, देख सकते हो। यहाँ पे राइट क्लिक से माउस से चल रहा है एंड WS वगैरह सारी एकदम बढ़िया से काम कर रहे हैं। एंड ग्रेनेड वगैरह का आपको सेट करना पड़ेगा, थोड़ा अलग है तो ये आपको सेटिंग वगैरह करनी पड़ेगी थोड़ी सी, की मैपिंग में हो जाता है वो, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो मेरी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे की मैपिंग आप कर सकते हो किस तरीके से करना है, तो सारी वीडियो आप देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है।